हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं श्यामनगर के बिल्कुल पास में एक 4.5 बीएचके फ्लैट का वीडियो लेके। बहुत ही प्यारा सा एक फ्लैट है, एक सोसाइटी के अंदर है। टोटल 5700 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। ये जो बाहर का आप आउटलुक देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा बाहर का आउटलुक है अपार्टमेंट का। बहुत ही प्यारा सा जगह है। और नीचे का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा प्लेग्राउंड बोलिए, बच्चे लोगों का खेलने का जगह बोलिए, स्विमिंग पूल बोलिए, जितना भी मॉडर्न एमिनिटीज़ है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। वो देख पे रहे हैं कितना बड़ा एरिया है नीचे में। कोई भी दुर्गा पूजा बोलिए, हर एक पूजा भी यहाँ पे होता है। बहुत ही प्यारा सा है। टोटल G+9 का है ये सा बिल्डिंग। और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है अभी, ये पूरा का पूरा लिफ्ट का लॉबी का एरिया है। तो चलिए चलते हैं फ्लैट के तरफ और देख लीजिए लिफ्ट का लॉबी का जो एरिया है वो भी काफ़ी सुंदर है। देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए चलते हैं लेकर आप लोगों को फ्लैट के तरफ। अभी आ चुके हैं हम लोग फ्लैट के सामने। यहाँ पे खास बात ये है कि दोनों फ्लैट एक साथ करके अटैच्ड हुआ है। ये एक फ्लैट, मतलब अंदर से दोनों फ्लैट एडजस्ट किया हुआ है। ये एक फ्लैट है और ये रहा और एक दूसरा फ्लैट, दोनों अंदर से पूरा अटैच्ड है। और ये टोटल 5700 स्क्वायर फीट का एक 4.5 बीएचके फ्लैट है। तो और सामने का जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा आपका लिविंग का डाइनिंग का स्पेस है। काफ़ी बड़ा सा फ्लैट है और काफ़ी प्यारा सा भी है। पूरा का पूरा इंटीरियर डेकोरेट किया हुआ है और ये पूरा फुल फर्निश्ड ही आप लोगों को मिलेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। पूरा एज इट इज़ ऐसा ही, बहुत ही बड़ा स्पेस है यहाँ पे, देख लीजिए पूरा इंटीरियर डेकोरेट किया हुआ है। और ये जो सामने का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका बालकोनी का एरिया है, अटैच्ड बालकोनी। देख लीजिए बालकोनी का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, देख लीजिए कितना बड़ा है। पूरा एकदम ओपन बालकोनी है जहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा रहेगा, पूरा एकदम ओपन है। और देख लीजिए पूरा बाहर का व्यू है ये बालकोनी से। और इसका पास में ही आपका किचन का एरिया है, ये किचन रूम है आपका। चलिए लेकर चलते हैं आपका किचन का जो एरिया है। यहाँ पे खास बात ये है, पूरा एक बड़ा सा रूम का तरह यहाँ पे किचन है, पूरा मॉड्यूलर किचन है। यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ है और काफ़ी बड़ा एरिया है किचन का, देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है और कितना प्यारा सा किचन यहाँ पे है आपका। पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन है, देख लीजिए। और अभी आप लोगों को लेकर चलते हैं रूम्स के तरफ। बहुत ही सुंदर सा फ्लैट है जैसे कि मुझे लगा है। तो चलिए, ये आ चुका है आपका फर्स्ट वाला बेडरूम। ये रहा आपका पूरा का पूरा बेडरूम का एरिया, देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है। और एक स्पेशियस बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पूरा का पूरा एरिया देख लीजिए, काफ़ी सुंदर है। और इसके साथ यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम भी है, जिसके साथ आपका चेंजिंग रूम भी बनाया हुआ है, देख लीजिए। तो आपको वॉशरूम का अंदर का जो एरिया है वो भी दिखा देते हैं। ये रहा आपका वॉशरूम का पूरा अंदर का एरिया, देख लीजिए काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे खास बात ये है कि इसका यहाँ पे पूरा वार्डरोब किया हुआ है पूरा एकदम। और इसके साथ यहाँ पे एक आपको अटैच बालकोनी है, जिसके साथ में आपका एक ओपन टेरिस है जो कि पूरा का पूरा पर्सनल टेरिस है। पहले बात तो ये है, ये रहा आपका पूरा का बालकोनी का एरिया, देख लीजिए काफ़ी बड़ा बालकोनी का एरिया है। और इसके साथ ये रहा आपका ओपन टेरिस, जो कि आपका पूरा बिल्कुल पर्सनल ओपन टेरिस है जो 200 स्क्वायर फीट का है। और यहाँ पे खास बात ये है कि हर एक रूम के साथ ये आपका ओपन टेरिस कनेक्टेड है। जितना भी रूम्स यहाँ पे है हर एक रूम के साथ कनेक्टेड है, दो रूम छोड़ के, पूजा का रूम और एक बेडरूम छोड़ के। तो चलिए चलते हैं सेकंड वाला बेडरूम के तरफ। अभी ये आ गया आपका सेकंड वाला बेडरूम। ये बेडरूम का एरिया भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी बड़ा सा एरिया है बेडरूम का, बहुत ही सुंदर बेडरूम है। पूरा का पूरा एरिया देख लीजिए बेडरूम का है, पूरा इंटीरियर डेकोरेट किया हुआ है।
और इसके साथ इस बेडरूम में आपको दो विंडो भी मिल जाएंगे, अटैच्ड विंडो, पूरा एकदम ओपन विंडो है। ये रहा एक, और एक साइड में ही है और एक ये। तो चलिए, इसके साथ भी आपका अटैच वॉशरूम है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया आपका वॉशरूम का एरिया है, प्लस चेंजिंग का भी एरिया है, चेंजिंग प्लस वॉशरूम है। ये रहा आपका वॉशरूम का एरिया, पूरा काफी प्यारा है। तो अभी चलते हैं आप लोगों के साथ सामने। सामने भी और भी बहुत सारा रूम्स है, और भी दो लिविंग का एरिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। चलिए चलते हैं, और एक बार देख लीजिए लिविंग का एरिया है पूरा। और ये आ गया आपका दूसरा जो लिविंग का एरिया है, वो लिविंग का एरिया। ये एरिया भी देख लीजिए, काफी प्यारा सा है, सुंदर सा है। आप चाहो तो पूरा फैमिली के साथ बैठ के कोई मूवी या फिर कोई गेम्स चल रहा है, या क्रिकेट बोलिए, फुटबॉल बोलिए, वो आप एंजॉय कर सकते हैं इस रूम पे बैठ के, यहाँ पे लिविंग का जगह में। और इसके साथ भी आपका पर्सनल टेरिस्ट अटैच्ड है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हर एक दो रूम छोड़ के हर एक रूम से यहाँ पे अटैच्ड है। ये रहा आपका पर्सनल टेरिस्ट, देख पा रहे हैं आप। तो चलिए अभी चलते हैं आगे, रूम्स भी दिखा देते हैं आपको, और भी जितना रूम्स है वो भी दिखा देते हैं। बहुत बड़ा है ये लिविंग का एरिया भी। हाँ चलिए चलते हैं, और ये आ गया आपका और एक लिविंग का एरिया। ये पूरा आपका लिविंग का एरिया है ये।